हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे एक प्लेट से हम पाइप किस तरह से बना सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ टू मेक ए पाइप ऑफ 500 mm ओडी फ्रॉम 6 mm थिक प्लेट। हमें 6 mm प्लेट थिक से एक 500 mm ओडी का पाइप बनाना है। उसको हम किस तरह से बनाएंगे, हमें यही देखना, हमें किस तरह से बनाना है। ठीक है, अब देखो उसे हम किस तरह से करते हैं। ये हम एक पाइप का स्केच बना लेते हैं अपना। यहाँ पर ये पाइप बनाना है हमारे को। ये थोड़ा बड़ा कर दो इसको, ये हो गया, ये बन गया हमारा पाइप। इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है और इसका जो ओडी है वो 500 mm है। ओडी 500 mm है इसका। ठीक है, और थिकनेस है इसका 6 mm थिक। ये हमारा हो गया 6 mm। ठीक है, अब हमें इसमें कितना शीट चाहिए हमारे को इतने ओडी पाइप बनाने के लिए, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, पाइप ओडी, पाइप ओडी बराबर जो पाइप की ओडी चाहिए हमारे को, तो पाइप ओडी 500 mm। ठीक है, पाइप ओडी 500 mm होगी। ये हमारे शीट चाहिए, कितनी लेंथ की शीट चाहिए हमारे को वो लिखना होगा ना, कितनी लेंथ की शीट चाहिए पाइप मोड़ने के लिए हमारे को, गोल करने के लिए। ये हो जाएगा 500 माइनस टी थिकनेस 6 mm में इंटू पाई, तो कितना आ गया ये, ओ डी माइनस थिकनेस इंटू पाई, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ओ डी 500 होगी और थिकनेस 6 mm, तो इसका हो जाएगा 494 इंटू 3.14। ठीक है, अब आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको, अपने फोन से कैलकुलेट करेंगे। 494 इंटू 3.14 ये आ गया 1551 mm। 1551 mm लेंथ की प्लेट चाहिए हमारे को, तब जाके ये पाइप ओडी इतने ओडी का मुड़ेगा हमारा। ये शीट है हमारी, ये 6 mm थिकनेस है, मोटा ये इसकी, और जो हमारा रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए ना 1551 चाहिए, जो गोल होकर हमारा ये आ जाएगा 500 ओडी का। हम आपको इसी वीडियो में एग्जांपल भी दिखाएंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट करके, पूरा पाइप मोड़ के दिखाएंगे, पूरा सब कुछ करके दिखाएंगे आपको किस तरह से क्या करना है। अगर फ्रेंड हमारे को यही क्वेश्चन, अगर इसमें हमारे को आईडी पूछ ली जाती कि इतनी आईडी का हमको पाइप बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना था, उसमें वैसे ही फॉर्मूला लगना था, फॉर्मूला वही था। इसमें क्या हो जाता, उसमें ओडी में से माइनस थिक हो गया, इसमें आईडी में प्लस थिकनेस हो जाएगा। उसमें ओडी में से थिकनेस हो गया था माइनस, इसमें आईडी में प्लस थिकनेस हो जाएगी, बस सिंपल सा फार्मूला है। अब हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे किस तरह से होता है, फैक्ट्री के अंदर पाइप किस तरह से बनता है। अब देखो आप, ये हमारी सीट है, इसके हम सिरे उठा रहे हैं क्योंकि वो रोले में पूरी तरह से बन नहीं पाता,
ये सीट के सिरे मुड़ गए दोनों तरफ से, उठा लिया हमने। अब इसको हमने रोलिंग मशीन में लगा दिया पाइप रोल करने के लिए। अब ये पाइप रोल हो रहा है, ये पाइप रोल हो रहा है। अब थोड़ा टाइम लगेगा पाइप रोल होने में, मगर पाइप बढ़िया से रोल हो जाएगा। देखो सब पाइप रोल हो रहा है, बढ़िया से पाइप रोल हो रहा है हमारा। ये पाइप रोलिंग हो रही है, ये पाइप का रोलिंग चल रहा है हमारा। ये देखो ये गेज में आएगा बिल्कुल, पाइप एक्यूरेट आएगा उसका, जोड़ी बनेगी हमारी। अब इसको हम टैकिंग कर लेते हैं, यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे आपस में वेल्डिंग द्वारा। अब यहाँ पर हमने वेल्डिंग कर ली पूरी तरह से, इसमें ये टाका लगा के हम इसे फिर निकाल देंगे इसमें से। ये देखो अब यहाँ पर एक टाका लगेगा यहाँ पर, ये देखो ये टाका लगा दिया हमने यहाँ पर। अब इसको निकाल के अंदर ले लेते हैं वेल्डिंग करने के लिए। ये पाइप पूरा ऐसे टाका लग जाएगा चारों तरफ से, पूरा हो जाएगा ये। उस टाका लगाने के बाद देखो हम अंदर ले आए पूरा, पूरे पे हमने इस पे वेल्डिंग मार दी निकाल के। हमारा पाइप तैयार हो गया बन के, ये देखो ये पीस हो रही पड़े। ये 500 ओडी के पीस हैं और 1 मीटर लंबे हैं।